मैंने प्रोड्यूस किया है, ये मेरा है प्रोडक्शन। अब मैं करवा देता हूँ इन सबका इंट्रोडक्शन। ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री, ये नंबर चार, ये नंबर पाँच। सबसे बड़ी सोचे बातें बड़ी बड़ी, ये दिमाग की नंबर वन पर सुनती थोड़ा कम। ओ ये ब्यूटीफुल है छोरी पर अकल हो गई चोरी, है इसका वजन माधा पर समझे खुद को दादा। ये गप्पू सबसे छोटी और गप्पे मोटी मोटी। इतना सर सर किए जा रहे थे, मेरा शरीर फट गया। चुप कर ए छोटी, छोटी बाहर आ जा छोटी। बापू क्या बात है, गब्बर के हाथ फंसे हुए ठाकुर की तरह काहे के लिए चिल्ला रहे हो? वो छोटी किधर है, उसको बाहर बुलाओ। छोटी चिल्लाओ मत, छोटी साहिबा तशरीफ ला चुकी है। अबे ओ साहिबा की बच्ची, ये साहिबा की नहीं, ये आपकी बच्ची है। ए चुप कर, क्या हुआ डैड, आप क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं घाट बनाने की आदत है। क्या हुआ? इसके स्कूल के प्रिंसिपल का फोन आया था, तो वो कह रहे थे कि आपकी बेटी इस साल SSC के एग्जाम देने जा रही है, हालांकि उसकी अटेंडेंस इतनी कम रही है कि वो एग्जाम में नहीं बैठ सकती। कुछ हालात ऐसे हैं कि हम उसे स्कूल के प्रीलिम में बैठने दे रहे हैं। वो तो मैंने प्रिंसिपल को हिस्ट्री टीचर के साथ जिंदा पिक्चर देखते हुए पकड़ लिया था ना, इसीलिए बदले में उन्होंने मेरा फॉर्म भरवाया है। तेरा ब्लैकमेल का जादू चल गया। जादू की झप्पी, आगे सुनो। मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी को प्रीलिम तक तो ले आया हूँ, लेकिन स्कूल के ट्रस्टीज का ये कहना है कि जिन बच्चों को 50% से भी कम मार्क मिलेंगे उन्हें बोर्ड के एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, तो आप अपने बेटी को पढ़ाइए। अरे तो पढ़ाएंगे ना, कौन सा आसमान टूट पड़ा है? अरे आसमान ही टूट पड़ा है, उसने मुझे यूनिट टेस्ट का रिजल्ट बताया है। मार्क सुनोगी ना तो गिर पड़ोगी। हाँ तो गिराइए ना, गिरा के दिखाइए। गिरना है? हाँ गिरना है। हाँ सुनो, इंग्लिश में 0, इसी का तो अंडा। हिंदी में 0, एक और अंडा। हिस्ट्री ज्योग्राफी में 0, और मैथ साइंस और मराठी में कितना? कितना? 0। क्या बात है, अबे छोटी तूने बताया नहीं, तो फुल्ली फेल हुई है। छोटी अगर पहले बताती तो तेरी इस अचीवमेंट पे हम लोग एक सेलिब्रेशन रखते। ओहो देर का हुई है सीधी, अभी कर लेते सेलिब्रेशन। मॉम आज रात के डिनर के लिए अंडा बिरयानी बनाना। 10 दिन के बाद तेरी प्रीलिम एग्जाम है, उसमें अगर तू पास नहीं हुई तुझे बोर्ड के एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, और तुझे खाने की सूची है। मेरी बोर्ड एग्जाम है ना, मुझे पता है कैसे पास होना है। फिर अपन है ना। ऐसे खराब खराब सवाल पूछते हैं एग्जाम में, एक का जवाब नहीं आता। मुझे लगता है उस प्रिंसिपल की शादी तुड़वानी पड़ेगी मुझे, लेकिन पहले प्रीलिम्स में पास तो हो जाऊं। जे, ये क्या होता है? सवाल के जवाब लिख रही हूँ सर। आप गाइड में से देख के कॉपी कर रही है? सर वो क्या हुआ ना सर, कि रात को मैं ना सर के बल एकदम सर सीढ़ी से नीचे गिर गई सर, तो मेरे सर में से सारी याददाश्त चली गई सर, इसलिए सिर्फ गाइड का सहारा ले रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिख सकती आप, ऐसे कॉपी नहीं कर सकती। ए छोटे, ओह काजल भाई, चल छपरी चुपचाप उधर जाके बैठ जा, वरना ये चाकू तेरे पेट में घुसा डालेगा। ये तो गुंडा कहती है। मालूम है, मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। अबे तेरी तो। फिल्मी चाकू है,
शूटिंग में यूज होता है, पर अगर शान पट्टी किया ना तो ये सच्ची वाला चाकू तेरे पेट में घुसा डालेगा। नहीं नहीं, मेरे घर पे दो छोटे छोटे बच्चे है ना, तो अगर तू चाहता है कि तेरे बच्चों पर उनके बाप का साया जिंदगी भर बना रहे तो गैर दे इसको। देता हूँ, अब भी देता हूँ, बाकी सब बच्चों को भी दे। अरे बाकी के सबको भी देता हूँ, देता हूँ। ऑल द बेस्ट बच्चे लोग। चुटकी बजा के बाप को बुला दिए। वो क्या है ना डैड, मुझे सीटी बजाना आता नहीं। तू लड़की नहीं होती ना, तू तेरे कान के नीचे बजाता। क्या है वो, क्या है? प्रीलिम्स का रिजल्ट। अंडे आए होंगे। जब से बर्ड फ्लू हुआ है ना डैड, तब से मैंने रिजल्ट में भी अंडे बैन कर दिए हैं। देखते क्यों नहीं? क्या हुआ जानू, रिजल्ट में रेखा की आंख मरती फोटो है क्या? 95%। ये रिजल्ट तू खुद बना कर तो नहीं लाई ना? एक मिनट, स्कूल में फोन करके काय को नहीं पूछ लेते? अरे जब देखो बच्चों के पीछे पड़े रहते हो। अरे लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? थोड़ा सा परिश्रम करने से क्या नहीं होता, पसीना बहाया मैंने डैड। लेकिन मैंने तुझे घर में पसीना बहाते नहीं देखा, जरूर कोई नया गुल खिलाया होगा। ज्यादा इल्जाम मत लगाओ हाँ डैड, मानहानि का दावा ठोक दूंगी आप पे। अभी पता लग जाएगा कितना पसीना बहाया है तुमने। मैं तुम्हारी एग्जाम लूंगा। एक बोल, इंडिया का लास्ट वॉइसराय कौन था? मालूम है को? वो तो मुझे भी मालूम है, गोतान किसने लिखी थी? ये भी मालूम। जावेद अख्तर ने लिखा हो या गुलजार ने, आपको क्या है? एक बात बता, ये H2O को आम जबान में क्या कहते? सुनील शेट्टी के वाटर स्पोर्ट्स क्लब का नाम है H2O। आपा मारूंगा तुझे। चोरी करके ये 95% मिले हैं, ये सीना चोरी करके। अरे बाबा परसेंटेज तो आई है ना। अरे वो प्रीलिम के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में देखते हैं ना, वहां तो अंडा आएगा। अंडा आएगा? तुम्हें तो बस बहाना चाहिए बच्चों के पीछे पड़े रहने का। बच्चों तुम लोग अपने मेरिट पे भी नंबर लाओगे ना, तुम्हारा बाप खुश होने वाला नहीं है। लेकिन छोटी मुझे बहुत खुशी है कि प्रीलिम में तेरे 95% आए। पता है मैंने आज तेरे लिए ना टेस्टी टेस्टी खाने बनाए। चल बोलो, इसे कहते खा माँ। अरे अभी तक खाना क्यों नहीं शुरू किया, ये हाथ ऐसे रख के क्यों बैठे हो, क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है डैड के हैंड उनके माउथ का रास्ता भूल गए हैं। क्या होगा इस लड़की का बोर्ड के एग्जाम में? अभी भी आप छोटी के रिजल्ट में अटके हुए हो। मैं अफसोस कर रहा हूँ, इतनी उम्मीद थी कि ये पढ़ लिख कर नाम कमाएगी, लेकिन इसने पढ़ने के बदले पढ़ाई में गोरख धंधे चालू कर दिए। पढ़ लिख के किसका फायदा हुआ है? अरे कूपर हॉस्पिटल के बाहर अंडा भुर्जी बेचने वाला आदमी भी बैंक मैनेजर से ज्यादा कमाता है। अरे कमा तो पॉकेट मारने वाले और मेले में झूला चलाने वाले भी लेते हैं, मगर पढ़ लिख कर आदमी रिस्पेक्टेड बनता है। ये क्या आदमी है, ये तो लड़की है, लड़की। यही तो प्रॉब्लम है ना। अरे लड़का अगर नहीं पढ़ेगा तो चलेगा, कहीं ना कहीं तो हमारी तो कर सकता है, लेकिन लड़की का पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और फिर अगर लड़का पढ़ेगा तो अपने ही काम आएगा ना, अगर लड़की पढ़ेगी तो पूरी नस्ल को एजुकेट कर देगी। लगता है बापू ने रिक्शा के पीछे जो लिखा है ना वो पढ़ लिया, मुल्की शिकली प्रगति जाली। लेकिन तुम्हारे डैड ठीक कह रहे, जाहिल और जानवर में बिल्कुल फर्क नहीं होता। ए छोटी तुझे पढ़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन मैं क्यों पढूं, मुझे तो बस जर्नलिस्ट बनना है। अरे जर्नलिस्ट बनने के लिए मास मीडिया करना जरूरी होता है, और उसके लिए एसएससी बनना बहुत जरूरी है। काश मैं भी पढ़ी लिखी होती तो एक बड़े से ऑफिस में बड़े से पोस्ट पे बड़ा सा जॉब कर रही होती, और मुझे यू लड़के मिल जाते। मैनो डैड की बातों ने मेरी आंखें खोल दी, हमें छोटी के एसएससी एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या हुआ जानू, गांगुली को टीम में लिया गया है या उसे ड्रेसिंग रूम में ही बिठा कर रखा है? मुझे गांगुली की बहुत फिक्र है। फिक्र तो होगी ना जानू,
ए तेरा गांगुली गान बंद कर दे, मुझे मैच देखने दे। रिमोटो, अरे अरे तो ये क्या कर रही, बंद क्यों कर रही है? आपको शर्म नहीं आती? आपकी बेटी के एसएससी के एग्जाम्स चल रहे हैं और आप बैठ के टीवी देख रहे हैं। मैं तो कहती हूँ गवर्नमेंट को आप जैसे लोगों की डिग्री छीन लेनी चाहिए। अरे लेकिन नो लेकिन मेरे हिसाब से जब तक छोटी के एग्जाम नहीं खत्म होते इस घर में नो टीवी। ओवर। आपको ना काउंसलिंग की जरूरत है। हाँ, पेपर में आया है जिन जिन बच्चों के एसएससी के एग्जाम्स हैं उनके माँ बापों को काउंसलिंग की सख्त जरूरत है। चलो मैं आपकी काउंसलर बन जाती हूँ। मुझे नहीं चाहिए तेरा काउंसलिंग। बट मुझे तो देनी है ना। पॉइंट नंबर वन, आप सुबह उठ के बीना को कैसे बुलाते? बीना। नो, नेवर। आज से आप बीना को ऐसे आवाज नहीं दोगे। तो कैसे बुलाऊं? सपोज बीना किचन में है, ओके, और आप ड्राइंग रूम में, और आपको बीना को बुलाना है तो आप बीना को एक फोन देंगे, फोन नंबर डायल करेंगे और बोलेंगे, बीना डार्लिंग जरा ड्राइंग रूम में तो आना। ड्राइंग रूम में से किचन में फोन करने का? एग्जैक्टली। घर में सुख शांति बनाए रखना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिमोट दे, चल। पॉइंट नंबर टू, खाने का टाइम भी रेगुलर होना चाहिए। पूरी फैमिली को कम से कम आधा घंटा निकाल कर एक साथ बैठना चाहिए, ऐसे आदमी डिस्ट्रेस होता है। आप एक काम करिएगा, हम लोग के लिए आइसक्रीम लेके आइए, हम लोग आइसक्रीम खाएंगे और आपका नाच देखेंगे। हाँ, आप है ना फनी फनी वे में डांस करेंगे तो हम लोग हंस हंस के डिस्ट्रेस हो जाएंगे। तो सबका स्ट्रेस कम करने के लिए मेरे से मुजरा करवाओगी? पाकिस्तान का मैच देखने से अच्छा आप पाकिजा बन जाओ। और जो बाकी के एक्टिविटीज चलते ना घर में वो रेगुलर होने चाहिए। मतलब के मेरे लिए लड़का ढूंढना, बेटी 10th का एग्जाम देने जा रही है, कोई जंग लड़ने नहीं जा रही, तो घर में लटका हुआ फेस लेके मत घूमना। एंड लास्ट, बच्चे के बारे में कोई बुराई नहीं। मतलब आप जैसे माँ बाप दूसरों के सामने जाके अपने बच्चों की इंसल्ट करते हैं, अगर हम लोग भी आपके बारे में ये सब जाके बोलने लगे तो? तू मेरी काउंसलिंग कर रही है, मेरे कान खींच रही है। आस्ते, घर में सुख शांति बनाए रखना वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो सब कुछ वापस समझाऊं क्या? मैं गुंगा हो जाऊंगा, बस तू जा यहाँ से, जा। गुड बॉय। एक मेरी समझ में ये नहीं आता, हम लोगों को हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं? पूरी किताब में मारा मारी की ही बातें होती है, इसने इससे लड़ाई की, उसने उस पे चढ़ाई की। हिस्ट्री पढ़ा के शायद हमको ये समझाना चाहते हैं कि बड़े होके हमें वैसे ही लड़ाई करनी है लोगों के साथ, इसके देश में घुस जाओ और इसके देश को जला दो। छोटी तू ना चुपचाप पढ़ाई कर। एक कमाल की न्यूज मिली है, मुझे कमाल की खबर मिली है। अरे स्वीटी अब खबर लाने का टाइम नहीं है। तेरे ही घर से आ रही हूँ, तेरे पापे ने पता है मेमोरी इंक्रीज करने के लिए एक कमाल का चॉकलेट बनाया है, बस खा लो, एक बार कोई भी चीज पढ़ लो, यू याद रह जाएगी, यू। अरे नहीं नहीं स्वीटी, ये वक्त एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है, और उसके एक्सपेरिमेंट पर भरोसा करने का तो बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि वो बना था कुछ और है, बन कुछ और जाता है। मीनाक्षी, उसने बहुत सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट एकदम सक्सेसफुल है, बस सिर्फ एक खाना होता है, दैट्स इट। इन लोगों ने 3-4 चॉकलेट्स खा ली हैं, जो इन्होंने बचपन में सीखा था उन्हें अब
क्या जरूरत थी वो दलजीत का चॉकलेट खिलाने की? अरे थोड़ा बहुत टाइम था इनके पास पढ़ने के लिए, वो भी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में लाने में चला गया इनका। मॉम, उन्होंने इनकी हेल्प करने के लिए चॉकलेट बनाकर लाए थे, इन सबको क्या जरूरत थी चॉकलेट को ब्रेड बटर की तरह खाने की? इसमें उनकी क्या गलती है? और डैड, कल मुझे एग्जाम में अंडा मिला तो मुझे कुछ नहीं बोलेंगे ना? ये तो फेल होने का बहाना ही चाहिए। ओह डैड, कोई फेल नहीं होगा। क्यों, तेरे हाथ को जादू की छड़ी लगी? अरे त्रिलोकनाथ बाबा के पास जाके तावीज लेके आते हैं। तावीज से कोई एग्जाम में पास होता है क्या? क्या मीनाक्षी, तू भी 21वीं सदी में ऐसी बातों पर विश्वास करती है? डैड, पहले मैं भी भरोसा नहीं रखती थी, लेकिन जब पुरुष को शादी के लिए फंसाना था तब महिला मुक्ति की एक मेंबर मुझे उनके पास ले गई। तो अब मुझे पता चला है कि पुशी इस घर में पालतू कुत्ते की तरह क्यों घूमता रहता है। ए मीनाक्षी, चल एक काम कर, उस बाबा का पता मुझे भी दे। वो क्या है ना, आजकल विवेक ओब्रॉय एकदम फालतू बैठा है, तो मैं सोच रही हूँ कि सुरेश ओब्रॉय और आनंद माथुर को समझी बना दूँ। चुप करना, चलो कल ही बाबा के पास जाते हैं। अरे ये दरवाजा तो बंद है। अरे यार, लगता है बाबा को पुलिस पकड़ के ले गई। चलो। अरे ठहरो, क्या ये कुछ लिखा है? त्रिलोक बाबा के बेटे की एसएससी की परीक्षा होने की वजह से बेटे को पढ़ाने बाबा ने छुट्टी ली है। डोरे धागे और तावीज एसएससी की परीक्षा के बाद ही मिलेंगे। क्या फायदा, बोर्ड की परीक्षा देने के बाबा का तावीज भी काम नहीं आता। अरे उस फैक्स मशीन की पूजा क्यों कर रहे हो? अरे इसे पढ़ने दो। बाबू, छोटी को पास कराने का बंदोबस्त कर दिया आपने। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। अरे बोर्ड एग्जाम की कागज भी बना गया डैड। इसका मतलब इस साल भी पेपर लीक हो गए? हर एक साल लीक होते हैं। चुप कर ना, ए तुम लोग टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? ए राधिका, चल अंदर जाके छोटी को पढ़ा। चल 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 चल, छोटी तेरा पेपर आ गया। चल ना, एक बात बता मुझे, ये पेपर तूने क्यों फुड़वाया और कैसे फुड़वाया? बापू, अपुन ने फुड़वाया नहीं है, बस अपुन की पहचान से लीक हुए पेपर को हासिल किया है। गलत है ना? यही गलत है। इस तरह के करप्शन से साल भर पढ़ाई करने वाले बच्चों के हक पर लूट मच जाती है। नालायक आगे चले जाते हैं, लायक वही रह जाते। पर जिस देश में ऊपर से नीचे तक सिर्फ करप्शन चलता हो, उधर अगर अपनी ईमानदारी की दुम पकड़ कर बैठेंगे ना तो अपनी गर्दन कट जाएगी। ले छोटी, दही खा ले। दही खाने से क्या होता है माँ? दही खाने से अच्छा शगुन होता है। अच्छा, इसका मतलब है दुनिया के सारे करोड़पति दही वाले हैं? छोटी सुन, क्वेश्चंस अच्छी तरह से पढ़ लेना और फिर ही जवाब देना शुरू करना, ठीक है? अरे सुन छोटी, पेन के 3 सेट है ना? हाँ। देख, पेपर पर अपना रोल नंबर लिखना मत भूलना। हाँ। और सप्लीमेंट्री लिया ना तो उसे ठीक से बांधना और उस पे भी नंबर लिखना मत भूलना। कसम से, हम लोग ही मिलकर ऐसा माहौल खड़ा करते हैं कि बच्चों को लगता है कि वो एग्जाम देने नहीं बल्कि जंग लड़ने जा रहे हैं। क्या यार तुम लोग टेंशन दे रहे हो, छोटी तेरे को मालूम है कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और उस सब के आंसर भी मालूम है तेरे को। हाँ, और अगर आंसर तुझे नहीं पता हो ना तो सीधा लिख देना, ये एग्जामिनर मैंने बहुत थोड़ा लिखा है, ज्यादा समझ के मार्क्स दे देना। फिर एग्जामिनर लिख देगा, थोड़े मार्क्स दिए बहुत समझ लेना। आप लोगों के इंस्ट्रक्शन तो खत्म होंगे नहीं, लेकिन वहाँ पे मेरा एग्जाम जरूर खत्म हो जाएगा। मैं जाऊँ? चल चल चल, हम तुझे दरवाजे तक छोड़ते हैं। छोटी, सब सवाल कल रात वाले पेपर के ही है। पता है, काजल भाई का काम कभी कच्चा नहीं होता। टुक टुक। यस। जवाब लिखो फटाफट, मेरे तो 75% पक्के हैं। 70%? मुझे तो 95% चाहिए। अटेंशन प्लीज, सॉरी टू से बच्चों, आज का ये पेपर लीक हो गया है, ये खबर मुझे अभी अभी मिली, इसलिए आज का ये एग्जामिनेशन कैंसिल। प्लीज। क्या
क्या बात करते हो? तुमने पुलिस को खबर की? हाँ, मेरे बच्चे किसी भी चीज के साथ खिलवाड़ करे चलेगा, लेकिन एजुकेशन के मामले में बेईमानी करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसकी जात को इसको बोलते हैं जब किस्मत हो लल्लू, तो क्या करेगा बल्लू? मैंने बेवफा सनम तो सुना था, बेवफा बाप पहले बार देखा। ए छोड़ी, टेंशन मत ले, अपुन है ना रिजल्ट पे कुछ सेटिंग कर डालेगा। नहीं काजल भाई, जो हुआ अच्छा ही हुआ। क्या मतलब? मुझे एग्जाम का पेपर मिल गया था और वो पढ़ के मैं एग्जाम देने चली तो गई थी, लेकिन मेरी कॉन्शियस ने मुझे बहुत ताने मारे, कहा इतनी छोटी सी एग्जाम पास करने के लिए इतनी छोटी हरकत। तब मुझे समझ में आया कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। पर पता है, आज जब मैंने एग्जामिनेशन हॉल में उन बच्चों के चेहरे देखे जो अपनी पढ़ाई मेहनत से करके आए थे, तो मैं समझ गई थी कि मेहनत करके कुछ भी आसान हो सकता है। तो मैंने ये डिसीजन लिया है कि आज से छोटी पढ़ेगी और पढ़ के पास होगी। शाबाश। और जो बच्चे एग्जाम देने बैठ रहे हैं, उनको मेरी सलाह है कि वो छोटी की तरह मेहनत करें। और बच्चों के माँ-बाप से मेरी विनती है कि बच्चे तावीज और यादाश्त की दवाई से पास नहीं होते, वो पास होते पढ़ाई करने से। तो बच्चों, पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट। मैंने प्रोड्यूस किया है, ये मेरा है प्रोडक्शन, अब मैं करवा देता हूँ इन सबका इंट्रोडक्शन। ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री, ये नंबर चार, ये नंबर पांच। हम पानी पिया बैट, हम